नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रमिला ब्यूटी पर। आज हम करेंगे स्पोर्ट्स ब्रा की कटिंग। तो ये हमारे पास पीस है जो हमारे ब्रा में यूज होंगे। तो एक टुकड़ा हमने ये लिया है, ये हमारा फ्रंट हिस्सा बनेगा। ये हमारा 18x20 का है, इसको हम डबल फोल्ड करके यूज करेंगे। इस तरीके से फ्रंट हिस्से को हम डबल यूज करेंगे। ये है हमारा बैक हिस्सा, ये है हमारा 8x20 का, 8 इंच इसकी चौड़ाई है और 20 इंच इसकी लंबाई है। इस तरीके से ये है हमारी नीचे की पट्टी जो फ्रंट हिस्से के नीचे फोल्ड होगी। ये है हमारे फिटिंग के हिसाब से 17 इंच इसकी लंबाई है और 4 इंच इसकी चौड़ाई है। ये है हमारे शोल्डर के लिए पट्टी, ये है 15.5 इंच इसकी लंबाई है और 2 इंच इसकी चौड़ाई है। ये इसमें हम लास्टिक यूज करेंगे बैक वाले हिस्से में और शोल्डर के लिए। ये है हमारा फ्रंट हिस्सा, इस तरह से हम इसको डबल करेंगे। सबसे पहले हमने ये बैक हिस्से को लिया, इसको 1 इंच हम फोल्ड करते हैं। ये इस तरीके से हमने इसको फोल्ड कर लिया है। इसी तरीके से हम नीचे से फोल्ड करेंगे। इस तरीके से हमने बैक वाली पट्टी को दोनों तरफ से फोल्ड कर लेना है 1-1 इंच। अब जो हमारी ये शोल्डर पट्टी है इसको हम फोल्ड करेंगे। इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे। इस तरह से हमने ये एक पट्टी को फोल्ड कर लिया है, दूसरी पट्टी को भी इसी तरीके से फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से हमने इनको फोल्ड कर लिया है। अब हम इनमें क्या करेंगे, पहले हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। ये है हमारे पास सॉफ्ट इलास्टिक। अब जितनी हमने ये पट्टी ली है इसमें से 4 इंच माइनस करके हम शोल्डर के लिए ये इलास्टिक काटेंगे। जैसे हमारी ये पट्टी है 15.5 इंच, तो 10 इंच का हम इलास्टिक काट लेते हैं 5 इंच माइनस करके, क्योंकि ये हमारा ज़्यादा लूज है, सॉफ्ट वाला ये इलास्टिक है। अब हमने जो ये बैक वाला हिस्सा लिया है ये है हमारा 10 इंच, यानी कि 20 इंच, डबल करने के बाद 10 होता था। तो दोनों की इसकी हम पट्टी काटेंगे 14-14 इंच। अब हम पहले इसमें ये इलास्टिक डालेंगे। इलास्टिक डाल के पहले हम यहाँ इस तरफ एक कच्ची सिलाई लगा लेते हैं। इस तरीके से यहाँ हमने इलास्टिक को पक्का कर लिया है। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ इलास्टिक को पक्का कर लेंगे। इस तरीके से ये हमारा बैक वाला हिस्सा रेडी है। अब हम शोल्डर में इलास्टिक डालेंगे। तो इस तरीके से हमने ये दोनों शोल्डर पट्टी और बैक रेडी कर लिया है। ये है हमारा फ्रंट हिस्सा, ये हमने डबल लिया था। इस तरीके से हम इसको पकड़ेंगे।
और यहाँ से सिलाई हम लगाना शुरू करेंगे मुड्डे की तरफ से। अब जो हमने ये शोल्डर पट्टी बनाई है इसको इसके अंदर रखेंगे। अब हम इसको सीधा कर लेंगे, छोटे छोटे कट लगा लेते हैं कि जो ये हमारी गोड़ाई है इसकी अच्छी सी फिनिशिंग आ जाए। इस तरह से हमने इसको सीधा कर लिया है। अब जो हमने ये प्लेट का निशान लगाया है, पहले हम प्लेट डालेंगे। ये इस तरीके से यहाँ तक हमारी रेडी हो जाएगी। अब जो हमने ये पट्टी की कटिंग की थी वो इसके साथ अटैच करेंगे। इसको हम नीचे की तरफ रखेंगे। और ऊपर की तरफ ऐसे फोल्ड कर देंगे। तो ये यहां तक हमारा हो गया है, ये हमारा सीधा है। इसके ऊपर ये जो हमारा बैक हिस्सा है इसको हम उल्टा रखेंगे, जैसे हम मतलब कमीज की सिलाई लगाते हैं कि हमारी ये सीधा करने के बाद इधर से सिलाई आए, यहाँ से हम इसकी सिलाई लगाएंगे। मुड्डे की तरफ से लगानी शुरू करेंगे। सिलाई को हम डबल कर लेंगे। इसी तरह से दूसरी तरफ हम सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हम इसको सीधा कर लेंगे। अब जो ये हमारी शोल्डर पट्टी है इसको हम बैक वाले हिस्से पे अटैच करेंगे। इस तरीके से हमने निशान लगा लिया है 4.5 इंच पर, सेंटर से 4.5 इंच लेके ये एक यहाँ पर एक यहाँ पर, इस तरीके से हमारी बाद्य अटैच हो जाएगी। सबसे पहले हम इसको सीधा कर लेंगे, यानी कि सारे जो हमारे बड़ हैं इनको हम सीधा करके इस तरह से इसको अटैच करेंगे। तो सिलाई के बाद हमारी बरा का ये है लुक, ये है हमारा बैक हिस्सा, ये है हमारी शोल्डर पट्टी और ये है फ्रंट। तो दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये आप अपने सूट के मैचिंग
बरा बना सकते हैं। जैसा आपके पास सूट है वैसे ही आपकी ये बरा रेडी हो जाएगी।